हेलो दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर लेकिन आप अपनी वीडियो में आई बटन या फिर एंड स्क्रीन नहीं लगा पाते तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से अपने वीडियो में आई बटन या फिर एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं इसको बताएं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने क्रोम के सर्च बार में डार्क्स यूट्यूब से सर्च कीजिए। उसके बाद दोस्तों यूट्यूब को अपने साइन इन कर लीजिए। मैं साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख मेरा स्टूडियो ओपन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन होने के बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को अपलोड कर लीजिए, तभी आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन या फिर आई बटन बिल्कुल आसान तरीके से लगाना सीख जाएंगे। मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो है, वीडियो एलिमेंट चेक है, विजिबिलिटी है, यहाँ पर चार ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर एंड स्क्रीन लगाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो एलिमेंट पर क्लिक करना होगा। वीडियो एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन आ गए। यहाँ पर सब टाइटल भी लगा सकते हैं, एंड स्क्रीन लगा सकते हैं और आई कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं एंड स्क्रीन लगाना सिखाऊंगा। एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर कोई सा भी अपना एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। मैं इसको एरो को यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर साइड में ले लेता हूँ, तभी मेरा एंड स्क्रीन लग जाएगा। यहाँ पर उसको देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा स्क्रीन लग गया हूँ। यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एंड स्क्रीन लग जाए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई कार्ड लगाने के लिए आई कार्ड पर क्लिक करना होगा। आई कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आई कार्ड लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट अदर या कुछ भी आप यहाँ पर अपना वीडियो का आई कार्ड लगा सकते हैं। मैं इस एरो को यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ, जिससे मेरा जो आई कार्ड है वीडियो के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कोई सा भी अपना वीडियो लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन आ सकता है। आप अपने सर्च करके भी अपने वीडियो को यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपने वीडियो पर ही क्लिक करता हूँ। आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाले वीडियो लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए तो दोस्तों आपका आई कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं लग गया। यहाँ पर एडिटिंग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ब्लू टिक हो गया, जिसका मतलब आपका आई कार्ड लग गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में।